हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम एक और स्प्राउट की रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये स्प्राउट हो गया है। ये है मूंग, आप मोट भी कर सकते हैं, और ये है चना। तो आप देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये स्प्राउट हो गया है, और इसका ये जितना स्प्राउट अच्छा होगा ना उतना ही न्यूट्रिटिव होगा। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। हमने एक छोटे प्याज को काट लिया है, एक हरी मिर्च को काट लिया है, कुछ धनिया की पत्ती हैं, आधा टमाटर ले लिया है, थोड़ा टमाटर बड़ा था, और आधा कप के करीब हमने पनीर के छोटे पीसेस कर लिए हैं। एक चम्मच सरसों का तेल लेकर मैंने इसको गर्म कर लिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डाल रहे हैं हम हरी मिर्च, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ये डाली हमने इसमें प्याज, इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज्यादा हमें नहीं पकाना है, हल्का क्रंची रखना है। प्याज देखिए थोड़े ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, और देखिए ऑयल बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो हमें इतना ही लेना है। अब हम डालेंगे इसमें स्प्राउट, जितने आपको चाहिए। जैसे मैं केवल दो बाउल दो सर्विंग बना रही हूँ छोटे वाले, तो दोनों चीजें हम साथ में डाल देंगे और इसको हल्का सौते करेंगे, ताकि वो जो कच्चापन है ना डाइजेस्ट होने में मुश्किल होती है। पहले मैंने आपको स्टीम करके दिखाया है, अब मैं इस तरीके से बता रही हूँ। मिक्स करेंगे, देखिए कितना कलरफुल, कितना बढ़िया। ब्रेकफास्ट के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटिक पेशेंट्स खा सकते हैं, और वैसे भी इवनिंग स्नैक की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, काली मिर्च पाउडर। मैं काली मिर्च पाउडर इसमें थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे, 1/4 टीस्पून भर के, दो सर्विंग में ही, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है ना वो बहुत अच्छा आएगा। एक मिनट के लिए हमने इसको ढक दिया था, और अब देखिए ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया है। ये देखिए जब ये हल्का गल जाए ना, तब आपको इसमें टमाटर डालना है, पनीर भी साथ साथ डालना है, तो दोनों चीजें हम डाल लेंगे। देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है, पावर पैक ब्रेकफास्ट। मिक्स करेंगे, और जितना आपको क्रंची खाना है क्रंची रख सकते हैं, थोड़ा गला खाना है तो उस तरह से आप ढक के थोड़ी देर तक पका सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और एक मिनट के लिए हम फिर से इसको कवर कर देंगे। ये देखिए हमने कुछ देर इसको ढककर रख दिया था, और ये अब इस तरह से खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। दो छोटे बाउल सैलेड है इसमें, जितनी भी सब्जियां, देखिए आप ऐसे दो छोटे बाउल, तो जितनी सब्जियां डालना चाहें उतने डाल सकते हैं। लास्ट में गार्निश करेंगे हम हरे धनिया की पत्ती से। प्लेटिंग करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। बहुत ही न्यूट्रिटिव है, जरूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हमारा स्प्राउट बनकर तैयार है, स्प्राउट सैलेड कहिए, स्प्राउट चाट कहिए। देखिए कितना बढ़िया, कलरफुल, बहुत ही सुंदर। और साथ में देखिए मैंने अपने स्प्राउट मेकर में स्प्राउट किया है। इट इज वर्थ टू बाय। ठीक है आप उसमें भी कर लेते हैं, बट आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, कपड़े में भी आप कर लेते हैं, लेकिन ये भी एक और हाइजीनिक तरीका है स्प्राउट बनाने का। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर तो बनता है। चैनल्स पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।